இன்னத்த டாபிக் இங்கிலே லிப்பிட்ஸ். ஸோ வி ஹவ் டன் வித் த அமைனோ ஆசிட், ப்ரோட்டீன்ஸ், கார்போஹைட்ரேட். கார்போஹைட்ரேட் விச் இன்க்ளூட்ஸ் த மோனோசிகரைட், ஒலிகோசிகரைட்ஸ் அண்ட் த பாலிசிகரைட். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த லிப்பிட்ஸ். லிப்பிட்ஸ் விச் இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் அ க்ரீக் வேர்ட் லிப்போஸ், LIPOS, விச் மீன்ஸ் फैट्स. सो लिपिड जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है लिपोस, विच मीन फैट्स. तो आप लोग को सबको पता है कि लिपिड्स क्या होता है, ठीक है. लिपिड्स जो है दीज आर नॉन पोलर. ये नॉन पोलर होते हैं और इसी वजह से वो ये लिपिड्स जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं. सो लिपिड्स आर नॉन पोलर एंड देयर फॉर दे आर insoluble in water. Non-polar inches pe jaste yani kon mata water na soluble yo ama lokle, theek hai. So lipids jo hai ab inka hum chemical point of view inna zinga ta zina lipids kon mata soma lagyu sino halale mata manna ge risk sok kuna tene mata lipids ya fat zira no halale to mata ka unna num sok kuna ka unna mata lipids zira halale to jab hum unko chemically dekhte hain to chemically kon na ko mata chil thon lokle. सो केमिकली ये जो लिपिड्स जो होते हैं दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, इनमें सिर्फ सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं या फिर वो सिंपल ग्लिसरॉल हो सकते हैं या फैटी एसिड ना ग्लिसरॉल मीन्स का कंबाइंस होते हैं ऑनोक्ले, ठीक है. तो ये लिपिड्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं. नाउ दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड. अब मैंने यहाँ पे कहा है कि ये सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं या ग्लिसरॉल हो सकते हैं. अब ये फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड क्या होता है या ये ग्लिसरॉल क्या है, ठीक है. तो फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड एज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. जब हम फैटी एसिड को देखते हैं इट हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH सबको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, विच इज अटैच टू एन आर ग्रुप, जो कि आर ग्रुप के साथ अटैच होता है. अब ये जो आर ग्रुप है इट कैन बी, इट इज वेरिएबल, ठीक है. यू आर ग्रुप को चेंज ऑन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल ग्रुप भी हो सकता है या उससे ज्यादा कार्बन वाले हमारे पास यहाँ पे आर ग्रुप अटैच हो सकते हैं. सी 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 सी, ठीक है. इट्स ऑक्सो पर लॉन्ग चेंज आयोशित से नुकले तो सम कार्बन चन योशिदा यूं यंचे से नुकले ई आर बिका, ई आर बिका मतायो यान नुकले 1 to 19 कार्बन सुपले वन नेता से 19 कार्बन युद्ध करे बताएं आर ग्रुप ची का अटैच छा न्याना नुकले मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ठीक है. तो इसमें बहुत सारे यहाँ पे कार्बन वाले मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे अटैच हो सकते हैं, ठीक है. सो जैसे कि बताएं एग्जांपल दुगले इना एराकिडोनिक एसिड, तो जिसमें 20 कार्बन होते हैं, 20 कार्बन वाला एक यहाँ पे चेन जो है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होता है, ठीक है. फिर दूसरा है एक पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड में होते हैं 16 कार्बन इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस सीथे थे 16 ये ले या आर्किडोनिक एसिड में ना 20 वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे 20 ले, ठीक है. तेने तेजा चिंगा था कार्बन चाने लॉन्ग चेन को नहीं बिका अटैच होते योशिक्चे से नुकले कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ यहाँ पे एक आर ग्रुप अटैच होता है. इन्हों ना मतलब चीज़ जरिले फैटी एसिड जरिले. The fatty acid has a carboxylic group attached to an R group. अब ये R group जो है which could be, it could be methyl, ethyl or higher number of CH2 group which can vary from 1 to 19 carbon तक हो सकता है, ठीक है. Example. फिर उसके बाद आता है fatty acid. Fatty acid जो है हमें पता है it can be saturated or it can be unsaturated. Saturated से नो अनसेचुरेटेड आयोशिचे से नोकले. तो सैचुरेटेड ना अनसेचुरेटेड कुने ना तेनी ची फरक क्या, ठीक है. जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है इन दोनों में क्या फ़र्क है. तो जो सैचुरेटेड होते हैं दे हैव अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है. सिंगल बॉन्ड बने और मनोकले इनमें जो कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होते हैं वो सिंगल होता है. वेयर एज अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है. क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं. Saturated fats जो है दे आर मोस्टली इन द स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन फॉर्म बनाए
जो अनसेचुरेटेड होते हैं उनमें बेंडिंग होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑन होते हैं ना, बेंडिंग होते हैं ऑन ऑक्लाइन, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि एग्जाम्पल था सर, या ई गुने ना आते ना बटर सोस को ना सैचुरेटेड को ना बटर को अनसेचुरेटेड को ना तेल गाता है सिंपल गाता है खजे चो जैसे थे मन्नक सोस को ना निकले, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी के लिए विच वन इज़ बेटर, द अनसेचुरेटेड, जो सैचुरेटेड जो है वो ठीक नहीं होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, खून गता ब्रेक डाउन चला गया मापू गता मैं जो टेम्परेचर मापू गुस्सा निकले, और ये सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, ये ज़्यादातर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेना न्यून माने थो वो मन उकले, ठीक है। और ये जो एनिमल ज़्यादातर जो सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर पाया जाता है इन केस ऑफ एनिमल फैट्स को लेना, एनिमल फैट्स को लेना है वन उकले। अगर इनका यू ने जो कंपोनेंट को अगर गता है मंगपो निन ना यू नहीं जाते तेरे गता हार्ट प्रॉब्लम को इन सैचुरेटेड फैट्स को नहीं जाते छान उकले। जब हम अनसेचुरेटेड को देखते हैं, अनसेचुरेटेड में मैंने अभी आप लोगों को कहा डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, खोने ना का बैंड बैंड होते हैं ऑन ऑक्लाइन, ठीक है, जो लीनर चेन नहीं होता उसमें बैंडिंग हुआ होता है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एकदम से जूचेस, ठीक है, और ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड दीज आर एबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये ज़्यादातर हमें मिलता है प्लांट सेल में, ठीक है, प्लांट सेल को नहीं मान चाहता हूँ। सैचुरेटेड एग्जाम्पल दस मतलब बटन कोकोनट ऑयल बोले ना या मतलब एनिमल्स को लेना थोक मैंने फैट्स को ले, ठीक है, या तो दस स्टोर फैट्स को उनका बॉडी होना है एनिमल बॉडी होना है ते होने नकल है अनसेचुरेटेड को देने का दस मस्टर्ड ऑयल सनफ्लावर ऑयल देने दस कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, इतने समझ लगे अनसेचुरेटेड फैट्स को ले नकल है, ठीक है। तो फैटी एसिड अभी हमने किया, तो फैटी एसिड्स को लेना कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप, फिर उसके बाद ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल इट्स वेरी सिंपल, इट इज़ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई वहाँ, ठीक है, मोनो डाई ट्राई सब दुखले हाइड्रोक्सी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन मीथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड जो है ये फैट लिपिड्स कुन फैटी एसिड फॉर्म में आया सोचो या ग्लिसरॉल फॉर्म में ना या इसका कंबाइन सोते हो नोकले, ठीक है, इसका कंबाइन सोंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मीथेन इथेन प्रोपेन दो वाले, फिर उसके साथ अब यहाँ पे लंबा सा चेन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला सी ओ एच तो ना आर, ठीक है, सी ओ एच ना आर दो वाले ये चुक्सला खून है ना गो अटैच सोते हो इसका कंबाइन सोते रहे हो नोकले, ठीक है। तो इस तरीके से फैटी एसिड जो है और ग्लिसरॉल जो है वो उनका कॉम्बिनेशन होता है यानी इसका मिक्स होता है, ठीक है, एक ऐसा लिपिड्स भी हो सकता है जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है वो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर मैनी लिपिड्स विच हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब इनमें जब ये दोनों जब कंबाइन होते हैं इनमें एस्टरीफिकेशन होते हैं एस्टरीफाइड चैनल ग्लिसरॉल ना फैटी एसिड इसका ले। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग, आप लोगों ने फॉस्फोलिपिड्स के बारे में भी सुना होगा, ठीक है, तो अगर आप लोगों को अगर याद है वी हैव डन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल और प्लांट सेल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स गुना सेल गुनना आउटरमोस्ट लेयर वो छीन ले बताए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हला। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, तो आप उसमें देख सकते हैं जो लिपिड्स जो होता है वो होता है उनमें फॉस्फोलिपिड्स को नहीं हला। नाउ व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स, अब ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, ये वो लिपिड्स हैं जिनमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है उनके साथ साथ उनमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी होता है और एक अमाइनो ग्रुप भी होता है। सो दिस इज फॉस्फेट एंड दिस वन इज अमाइन नाइट्रोजन ग्रुप जिद्दू कर लेने ईच ऑक्सीना तेने चीजें ले फॉस्फोलिपिड्स ले। सो विच हैव अ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप इन एडिशन टू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा इनमें हमें ये दोनों चीज़ें भी मिलता है, तो इनको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो ये है आपका लिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द न्यूक्लिक एसिड।